आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ सो द क्वेश्चन इज लाइट वेज फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट लेस देन 6 मीटर आर डायवजिंग एंड फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मोर देन 6 मीटर आर पैरेलल फर्स इन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अक तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंकट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब कि जो फोकल लेंथ है वो बढ़ेगी फोकल लेंथ विल इनक्रीज तो क्योंकि हमारी फोकल लेंथ का रिलेशन होता है आर बाई टू तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारी बढ़ेगी क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है एफ एस प्रपोर्शनल टू आई बाई टू अब इसके बाद इसकी वजह से क्या होगा जो हमारा साइज ऑफ आई बॉल होगा आई बॉल वो भी बढ़ेगा और ये कैसे बढ़ेगा जब हमारी सिलियरी मसल्स मसल्स एक्सपैंड करेंगी तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं ए साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि साइज ऑफ आई बॉल इनक्रीज होएगा बी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीजेस तो ये भी हमारी इनकरेक्ट हो गई क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगी सी करवेचर ऑफ लेंस सरफेस डिक्रीज तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया नाउ डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियारी मसलस तो ये हमारा करेक्ट हो गया सो डी इज़ द Answer for this questions, क्योंकि ciliary muscles expand जब फोकल लेंथ बढ़ती है सो थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भर हो सकता है आज डाउनलोड करिए डाउट ने टाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर